हाय कृपया दोस्तों, मैं आपको फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैसेट ट्रिक बाय परमार। तो दोस्तों, आज अपन सीखने हैं वृत्त की त्रिज्या वाला सवाल सीखने हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि और वृत्त की जीवा। सबसे बड़ी बात करने वाले आप वृत्त की जीवा। तो जीवा क्या होती है दोस्तों, आइए देखते हैं। ये अपना एक वृत्त है। क्या है वृत्त? सबसे पहले ये यहाँ से ये इसका केंद्र बिंदु होता है, इसको ओ नाम देते थे अपन। और ये इसकी त्रिज्या होती है। ये क्या होती है? ओ। ये तक क्या होती है? इसकी त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? ए। और बी तक क्या होती है? इसकी जीवा। और ये है लंब ओ एम। ठीक। अब इसमें ये ये जो दूरी इसकी कितनी, 6 सेंटीमीटर दे दे और ये दे दे 4, ये ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करें? देखो, यहाँ से यहाँ तक 6 दे दी, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों कि ए एम ओ क्या एक समकोण त्रिभुज है। क्या है त्रिभुज ए एम ओ? क्या बराबर क्या है? 90 अंश इन समकोण है। तो ये कोण 90 अंश का होगा। तो यहाँ लगेगा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों? देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है इसमें? ए ओ ए। वो आधार कितना है? 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये कितना? 4 4 4 16। सॉरी, ये कितना होगा? 8। तो 8 कितना हो गया? 64। 8 में 6 जोड़ा कितना हो गया? 100 हो गया। तो ओ ए बराबर इसमें रूट लग गया और बराबर 10 आ गया। तो ये दूरी कितनी आ गई इसकी? 10 सेंटीमीटर आ गई। कितने आ गई? 10 सेंटीमीटर। फिर इसने पूछा कि त्रिज्या आ गई। अब पूछा इसमें कि लंब, इस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा यहाँ से यहाँ तक ये 6 है, इधर भी 6 होगी, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। जीवा कितनी हो जाएगी दोस्तों? जीवा इसकी 12 सेंटीमीटर होगी। फिर इसकी व्यास 2R होता है, तो 2R कितना है? 10 है। तो 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ज्ञात करेंगे दोस्तों इसको क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू आर। त्रिज्या कितनी इसकी? 10। 10 × 10 हो जाएगी। तो 22, ये 22 और 2 सिपर लग जाएगी बटा 7। भाग लगाएं 7 × 21 और 7 × 7 3 बचे 0। 7 × 4 28 और 7 × 2 = 14। तो 314.2 वर्ग सेंटीमीटर ये इसका क्षेत्रफल होगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।